प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का पहला दिन काफी व्यस्तता भरा रहा। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। बाद में प्रधानमंत्री ने अमेरिका स्थित लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी यानी लाइगो के वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की। भारत और अमेरिका के बीच भारत में लाइगो ऑब्जर्वेटरी खोलने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। वाशिंगटन डीसी के होटल के बाहर प्रधानमंत्री ने भारतीय अमेरिकी समुदाय का अभिवादन स्वीकार किया और कई लोगों से हाथ मिलाकर उनकी खुशी दोगुनी कर दी। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए अमेरिकी भारतीय समुदाय के लोग सुबह से ही होटल के बाहर इकट्ठा हो गए थे। वे भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने पर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी परियोजना यानी लाइगो से जुड़े वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की। भारत में प्रस्तावित लाइगो परियोजना के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ। नाउ दैट इंडिया हैज एग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट द पॉसिबिलिटी इज दैट इंडिया विल बिकम सेंट्रल टू द लाइगो प्रोजेक्ट partly on account of the fact that geography favors us. The plan is that the LIGO project has proved the gravitational waves theory based here in the US, but now they would like LIGO projects to be replicated in other parts of the world so that based on their geographical data also they can prove the gravitational waves theory. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने भारत में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी यानी लाइगो परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की थी, जिसके तहत अमेरिका के सहयोग से भारत में अत्याधुनिक भूगर्भीय तरंग वेधशाला स्थापित की जाएगी। इस परियोजना से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भूगर्भीय तरंग के क्षेत्र में गहराई से शोध करने का अवसर मिलेगा और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में प्रस्तावित लाइगो वेधशाला के भारतीय मूल के वैज्ञानिकों से मुलाकात की थी। वाशिंगटन डीसी से धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री मोदी ने लाइगो वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद इन वैज्ञानिकों से बात की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र तिवारी ने। काफ़ी चीज़ें जो मैथमेटिक्स है और जो आइंस्टाइन का कॉन्फिडेंस था उससे हमें ये प्रूफ हुआ। पर्टिकुलरली मेरे लिए ग्रेविटेशनल वेव्स एक वो मानव का वो जो एडी से बीसी का कैलेंडर जो शिफ्ट हुआ ना, कि अगर आप सिर्फ हार्ट बीट टून पाते थे और आज अगर आप एमआरआई स्कैन कर सके, वो प्रोसेस है। बहुत अच्छा अनुभव था, प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत गर्व की बात थी कि हम उनसे मिल पाए और ये देखना कि गवर्नमेंट में साइंस के लिए कितना अप्रिसिएशन है और ये डिस्कवरी उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो रही है, ये चीज़ समझने, ये चीज़ जानकर बहुत बहुत खुशी हुई। और उनका उनसे बात करके, उनकी दुविधाएं समझ के और उनकी अप्रिसिएशन देख के बहुत अच्छा लगा। एक बार एक आम आदमी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना और कैसे लाइगो प्रोजेक्ट के द्वारा हम इसको और बेहतरी से पा सकते हैं, इस बारे में आप लोग हमें कुछ बताएं। आई वुड से कि आम आदमी के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमने जब पहले बार टेलीस्कोप बनाया था तो हमें पता नहीं था कि हम क्या देखने वाले हैं, और हमने टेलीस्कोप बनाया और देखा तो हमें तारे दिखे या फिर हमें बाकी के और प्लैनेट्स दिखे। आज एक तरह से हमने एक नया टेलीस्कोप बनाया है, एक कंप्लीटली नया टेलीस्कोप बनाया जो कि कोई भी टेलीस्कोप नहीं कर सकता है, और हमने वो लाइट के थ्रू नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू ब्रह्मांड को देखा है, ब्लैक होल्स को देखा है। एंड अगर हम ये देखते रहेंगे तो हम ब्रह्मांड में और पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं जो कि हम देख नहीं पाए थे बिकॉज हम ग्रेविटेशनल वेव्स को नहीं देख रहे थे। क्या वो अनसुलझे रहस्य हैं ब्रह्मांड के जिनको कि हम जान सकेंगे और मानवता के लिए उससे हमें क्या फायदा होगा, तो उस बारे में हमें थोड़ा बताएं कि भविष्य क्या है और कितने समय में ये रहस्य, ब्रह्मांड के जो अनसुलझे रहस्य हैं, उस तक मानव की पहुँच हो पाएगी। सो सबसे बड़ा
क्वेश्चन अभी यही है कि हम ब्रह्मांड में कैसे हैं और ये ब्रह्मांड कैसे बना, वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तीसरा डिटेक्टर होने के बाद जो आप क्लैरिटी से सिग्नल देख पाएंगे उसमें आपकी नई थियरी, आइंस्टाइन की थियरी सही है लेकिन हमें वो भी पता है कि आइंस्टाइन की थियरी कंप्लीट नहीं है, सो नई थियरी आइंस्टाइन के बाद की थियरी कौन सी है वो प्रश्न प्रूव करने के लिए थर्ड लाइगो डस्ट डिटेक्टर का होना बहुत महत्वपूर्ण है।